हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा. नाउ साइनिंग इट, इट्स मी. आप थिंकर्स पढ़ रहे थे, हमने इंडियन थिंकर्स की बात की, हमने वेस्टर्न थिंकर्स की भी बात की. वेस्टर्न थिंकर्स में हमने जॉन डीवी को पढ़ा और उसका भी हमने एक वीडियो डाल दिया है, आप उसे जरूर कंसिडर कीजिएगा, आप देख लीजिएगा. नाउ हमारे आज के जो थिंकर हैं, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज के जो थिंकर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीन जैक्वस रूसो. ठीक है, ये एक नेचुरलिस्ट हैं, प्रकृतिवादक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये क्या हैं, एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं और हम इनको पाश्चात्य दर्शन में पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी के रूप में कंसीडर करते हैं, चाहे वो हम फिलोसफी के पेपर में पढ़ें. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फिलोसफी के पेपर में, तो बीएड में भी पढ़ते हैं और एमएड में भी पढ़ते हैं, हर जगह काम आते हैं. और फिलहाल अभी हम इन्हें एज ए थिंकर्स पढ़ते हैं. इनका फिलोसोफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिलोसफी को लेकर दर्शन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. फिर थोड़ा सा इनका जो लाइफ स्क्रेच है उसके बारे में बात करेंगे, इनके हिसाब से बच्चे का एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. चलिए बात करते हैं. और जीन जैक्वस रूसो, ठीक है, इनका जो पीरियड है वो आप देख लीजिए, सेशन पीरियड 1712 to 1778 है. ठीक है, 1712 to 1778. और इनका एक स्लोगन है जो आप पढ़ सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, बाय जीन जैक्वस रूसो. पेशेंस इज बिटर, यानी आपको पता है कि धैर्य कड़वा तो होता है लेकिन जो उसका फल होता है वो बहुत मीठा होता है. ओके, तो हम किसी भी काम को पेशेंसफुली करेंगे तो उसका डेफिनेटली एक ना एक दिन हमें अच्छा फल और मीठा फल और अच्छा फल से सिर्फ मतलब यहाँ पे है कि वो हमारे लिए पर्पसफुल होगा, हमारे लिए यूटिलाइजेशन का काम करेगा. ठीक है, ये रूसो का मानना था. चलिए, ये तो स्लोगन था. हम बात करते हैं आज की वीडियो में. बॉर्न इन 1712 इन जेनेवा. और जो रूसो क्या है, पहली बात तो बता दूं कि रूसो भी क्या है, आपको पता है कि एजुकेशनिस्ट हैं, कौन से, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट हैं. और 1712 है ना, 1712 जेनेवा नगर में इनका जन्म हुआ था. ठीक है, जेनेवा में इनका जन्म हुआ था. तो आप टू द पॉइंट पढ़ते हैं, बॉर्न इन 1712 जेनेवा. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एट 12 to 29. थोड़ा सा इनका फैमिली बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं. देखिए, ये पैदा तो हुए थे 1712 में जेनेवा नगर में. ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि ये जब पैदा हुए थे तो इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, यानी कि इनकी माता का देहांत हो गया था. तो इसी तरीके से आपको पता है कि फिर इनका जो पालन पोषण, इनके घर में एक चाची थी, उन्होंने किया. तो आपको पता है कि माँ और पिता कैसे हो जाते हैं. ठीक, तो उनका जो पालन पोषण बहुत कष्टकारी रहा है और उनका जो बचपना है वो बहुत ही दुख में बीता है. दुख में इन द सेंस की जो चाची थी जिन्होंने भी इनको पाला पोछा, और पिता भी कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था, तो इनके अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें पड़ गई थी, मतलब बुरी आदतें पड़ गई थी. और दिन भर जाहिर सी बात है, जब माँ कंसर्निंग नहीं होगी और पिता भी अपनी जॉब में बिजी रहेगा तो उसको तो पता नहीं है कि बच्चा दिन भर क्या कर रहा है, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाए. ठीक है, इधर तो घूमते हैं. ठीक, इसके बाद जब वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो केवल वो नेचर में ही घूमते रहे, इसीलिए इनको नेचुरलिस्ट भी बोलते हैं. और उन्होंने नेचर को ही ऑब्जर्वर या नेचर को ही अपनी गोद माना था शिक्षा की. ठीक है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्होंने जब घूमा तो देखा कि नेचर कितना सुंदर है, उसको एक आनंद के रूप में लिया. धीरे धीरे इनका प्रकृति के लिए जो प्रेम था वो बढ़ता चला गया था. इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना भी शुरू किया, मतलब बुक्स रीडिंग भी शुरू की, क्योंकि उनको उनको इंटरेस्ट था. फिर सिक्स अगर हम देखेंगे तो रूसो काफी इंटेलिजेंट भी थे, भले उनकी फैमिली वैसी कंडीशन नहीं थी कि प्रॉपर उनको पढ़ा नहीं पाई या पढ़ नहीं पाए उस समय, लेकिन 6 वर्ष की अगर एज होती जो है वो प्रॉपर नॉवल पढ़ने लगे थे. तो आप समझ सकते हैं कि 6 ईयर्स की एज क्या होती है. आजकल के बच्चे तो प्रॉपर हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे वो नॉवल पढ़ते थे, तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग. और कहीं ना कहीं इनको बुक पढ़ना अच्छा लगता था, चाहे वो हिस्टोरिकल बुक हो, चाहे वो रिलीजियस बुक हो, चाहे वो नेचर की बुक हो. तो इन सब चीज़ों का उनके माइंड पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं, और उन्होंने पता है स्कूल तो ज्वाइन किया नहीं, तो स्कूल की इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं चली, और उनको ये नहीं पता चला कि हम स्कूल में क्या जाकर सीखते हैं और स्कूल में किस तरह की मॉडरेशन होती है, कैसा डिसिप्लिन होता है. तो इसीलिए ये नेचर में घूम घूम कर ही पढ़ते रहे हैं, और नेचर के माध्यम से जो चीज़ें इन्होंने सीखी, तो इसीलिए इनका नेचर की तरफ जो अट्रैक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया. इन्होंने स्कूली एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है ना, उनको ये लगता था कि जो स्कूल में डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन बहुत ही खराब है, वो बहुत ही कट्टर है, बच्चे को ऐसे डिसिप्लिन में हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे अच्छा हम बच्चे को नेचर में पढ़ाएं. ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से स्कूल को अपोज किया है और सिर्फ नेचर और नेचर की बात की है.
ठीक है, कि नेचर में बच्चे को छोड़ दीजिए, आप प्रकृति में बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चा जो भी सीखेगा वो नेचर के माध्यम से सीख लेगा, अच्छा चाहे बुरा। ठीक है, बच्चा गलत करेगा तो नेचर उसे पनिशमेंट देगा, ठीक है, उसे कष्ट होगा, और बच्चा अच्छा करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा। तो उनका एक यही स्लोगन था, एक यही सिद्धांत था। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद देखा जाए तो जब उनकी थोड़ी सी एज बढ़ी तो वो कहीं ना कहीं गए, और उन्होंने अपने भाई भाई सबके साथ मिलकर किसी तरह भाई हेट हाउ क्रूक हाउ एट एनी कास्ट उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद उनको थोड़ा सा मिला, फिर लैटिन लैंग्वेज भी इन्होंने पढ़ी अपने भाई के साथ मिलकर। उसके बाद बिजनेस करने लगे, टीचिंग लाइन में भी एडवोक किया। तो ये सारी चीजें की, और उसके बाद मतलब जाहिर सी बात है कि हट गए वहां से। जब चीजों को जो फिलोसफर होते हैं ना, उनको किसी तरीके की बाउंडेशन पसंद नहीं आती, किसी तरीके की पनिशमेंट पसंद नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है, यंग थे तो पॉलिटिशियन तो बन नहीं पाए, सोशल कंस्ट्रक्टर तो बन नहीं पाए, और जो 21 साल की जब उनकी एज हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिनेवा भी छोड़ दिया। इसके बाद वो फ्रांस चले गए, फ्रांस में उन्होंने लोगों के ग्रंथों को अध्ययन किया। ठीक है, फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर लोग तो जाहिर सी बात है जब लोगों के टच में आए तो उनको पता चला कि इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। इसके बाद फ्रांस में ही, आपको पता तो उस समय डिसिप्लिन काफी कठोर था, फिर उन्होंने उसके खिलाफ काफी आवाज उठाई, शोषण के विरुद्ध काफी चीजें लिखी, जर्नल्स लिखे, लेख लिखे, उपन्यास लिखे। ठीक है, और काफी क्रांति भी आई उस टाइम पे। तो ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से कुछ भी है तो उन्होंने प्रकृति के जो भी सिस्टम थे उसके बारे में अच्छी चीजें लिखी हैं और स्कूल के बारे में नहीं लिखा है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो मैंने ये बता दिया। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं। इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक एट द एज 12 to 29, और उनको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट था 12 से 29 एज तक। फिर इसके बाद वेगा बैंड मूविंग वन टू अनदर प्लेस, और ये हमेशा कहीं ना कहीं इधर घूमते घामते रहते थे, ये एक जगह पे नहीं रुकते थे। रोट मैनी बुक्स, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें सबसे पहला इनका है एमाइल। एमाइल क्या है? स्टोरी ऑफ इमेजिनरी बॉय नेम्ड एमाइल, एक इनकी स्टोरी बुक है, और इनका इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन में जो बॉय है, जो लड़का है, वो एमाइल है। ठीक है, उसके उस लड़के का नाम, उस कैरेक्टर का नाम एमाइल है, और ये एक नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में पूछा जा चुका है। हमेशा टीचिंग कॉम्पिटेंसी में भी अगर आप बीएड एडमिट का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है कि एमाइल क्या है। तो एमाइल जो रूसो है उनकी एक रचना के कैरेक्टर का नाम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रूसो इज नोन एज अ रिवोल्यूशनरी फिलोसोफर, ये क्रांतिकारी फिलोसोफर के रूप में थे, यानी कि क्रांतिकारी दार्शनिक के रूप में थे। नेक्स्ट हमारा है द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस इनकी एक रचना है, मतलब एक राइटिंग है, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस जो है इनकी एक राइटिंग है, मेन राइटिंग है रूसो की। ठीक, नेक्स्ट हमारी है द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन। तो आप इन जितनी ये राइटिंग में बता रही हूँ आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कब आई थी 1753 में, और द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस 1750 में। तो इनकी रचनाएं हैं जो फेमस हुई थी। नेक्स्ट है हमारा द न्यू होल इज रोमांस, ठीक है, द न्यू होल इज एंड रोमांस, ये कब आई थी 1759, एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो नेक्स्ट है वो 1762। तो इनकी ये मेन रचनाएं हैं, आप इसे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक एमाइल मैंने बताई, तो एमाइल भी याद रखिएगा, एमाइल भी क्या है, एक कैरेक्टर है। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, कन्फेशन के बारे में भी बात की, तो ये मेन थी, मैंने ये बता दी है, आप इनको एज ए नाम एज ए सन याद रख लीजिएगा। तो ये है जीन जैक्वस रूसो। चलिए अब हम ये तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जीन जैक्वस रूसो का। अब हम बात करते हैं रूसो एज अ फिलोसोफर, यानी कि रूसो एज अ दार्शनिक, यानी कि रूसो के अनुसार दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रूसो क्या है? एक ग्रेट फिलोसोफर है, आपको पता है, यानी कि ग्रेट फिलोसोफर इन द सेंस कि महान दार्शनिक के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एमाइल, आपको पता है एमाइल एक बहुत फेमस ग्रंथ था उस टाइम का, और एमाइल में केवल यही सारे थॉट्स इन्होंने लिख रखे थे कि समाज को हम सुधार सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, शिक्षा के मतलब शिक्षा के बारे में क्या बताया उन्होंने, और एमाइल एक स्टोरी है। तो एमिल जो लड़का है जिसकी उन्होंने बात की है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको ये बताने की कोशिश की है कि उसको जो शिक्षा मिले वो नेचर के माध्यम से मिली है, तो वो कैसा है, ठीक है, और उसको सोसाइटी से दूर रखा है, वातावरण के करीब रखा है। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात की थी, और उसको ये बताया कि नेगेटिव एजुकेशन देनी चाहिए तभी वो सीखेगा, अगर उसे गलत का पता नहीं होगा तो वो सही शिक्षा कैसे लेगा, तो इसके बारे में भी बात की थी। ठीक है, हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो ये क्या है रूसो की फिलॉसफी, ये ग्रेट फिलॉसफर थे, ये एक नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवादक है। नेचर इज द गुड एंटिल इट डजंट रीच इनटू द हैंड ऑफ मैन, देखिए उनका कहने का मतलब है कि जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी है जब तक वो क्या मनुष्य के हाथ जब तक वो क्या है, नेचर तब तक अच्छा है जब तक वो खुद तक नेचर तक है, लेकिन जहां ये मनुष्य के हाथों में जाती है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, मनुष्य के हाथों तक पहुंचती है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है
द की कॉन्सेप्ट ऑफ रूसो फिलोसफी इज टर्म एज अ नेचुरलिज्म। जो रूसो की फिलोसफी थी उनके कॉन्सेप्ट का, उनका जो कॉन्सेप्ट था रूसो फिलोसफी का, तो उनके नाम को उन्होंने नेचुरलिज्म दिया, या प्रकृतिवादक भी बोल सकते हैं या प्रकृतिवाद भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इट कंटेन्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड द नेचुरल सिविलाइजेशन। इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरे तरीके से नेचर पे बेस्ड थे। इनका नेचर नेचुरल स्टेट था, तो इन्होंने मैन को नेचुरल मैन कहा, और जो उनका सिविलाइजेशन था उसको नेचुरल सिविलाइजेशन कहा। तो नेचर के हिसाब से इन्होंने तीन चीजों की बात की है। नेचर कैसा होगा? आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि जो भी हमारा प्रकृति या नेचर होगा वो कहाँ से अलग होगा? हमारे समाज से अलग होगा। नेक्स्ट क्या है? इनेट टेंडेंसी ऑफ चाइल्ड, नेचर क्या करेगा? बच्चे की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का काम करेगा, बट कैसे करेगा पता नहीं, ये नहीं बताया इन्होंने। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल एनवायरमेंट, और बच्चे को हमेशा प्राकृतिक वातावरण में मतलब इन्वॉल्व रहना चाहिए, प्रकृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो प्रकृति में चीजें हैं उसको देखना चाहिए, जो प्रकृति इतनी सुंदर है, जो इतनी नेचर है वो सुंदर है, उसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, इनका ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से नेचर पे ही बात की हुई है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो बच्चे हो। ठीक है, चलिए अब फटाफट पढ़ते हैं रूसो एजुकेशनल फिलोसफी। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एजुकेशनल फिलोसफी में हमने आपको बताया था कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक है, इनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ क्या है। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है। फिर इसके बाद है उद्देश्य क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रकार क्या है। फिर कोरिकुलम कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, यानी कि फिर मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर का, टीचर का रोल क्या होना चाहिए। और नेक्स्ट है एंड लास्ट वुमेन्स एजुकेशन के बारे में भी इन्होंने बात की है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं बात की लेकिन थोड़ी बात की है। ठीक है, तो ये क्या है? रूसो की एजुकेशनल फिलॉसफी है। और प्लीज़ यू कैन मेक दिस चार्ट, आप इस चार्ट को बना सकते हैं, इससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और आप वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन है क्या इनके हिसाब से। नाउ मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द रूसो, यानी कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रूसो। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड नेचुरल पावर एंड एबिलिटी। इनके हिसाब से शिक्षा क्या है? शिक्षा वह विकास है। ठीक है, शिक्षा बच्चे का वह विकास है जहाँ पर बच्चा क्या उसकी जो नेचुरल पावर यानी कि प्रकृति की पावर और एबिलिटी यानी कि योग्यता बाहर, योग्यता को बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी कि उनका ये कहने का मतलब है कि बालक को क्या करना है, यानी कि शिक्षा का जो मेन पॉइंट है, शिक्षा का अभिप्राय है कि बच्चे में जो पहले से गुण विद्यमान है, ठीक है, बच्चे का जो मतलब मान लीजिए हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो बच्चे का जो नेचर है उसको एक्चुअल नेचर रहने दें, उस पर कुछ भी जबरदस्ती नॉलेज डालने की कोशिश ना करें, यानी कि बच्चे को आप टॉर्चर ना करें। बच्चा जो अपने आप से सीखना चाहता है उसे सीखने दीजिए, आप उस पर जबरदस्ती कुछ भी थोपिए मत, है ना। बच्चा जिस भी हिसाब से डेवलप है, चाहे वो मेंटली फिजिकली जैसा भी वो एक्टिविटी करके सीख रहा है, उसको सीखने दें, है ना। ठीक, और उसके ऊपर जबरदस्ती कुछ भी लादने की कोशिश ना करें। तो इसके बारे में उन्होंने बात की है। और अगर देखा जाए एक टर्म में बात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो यही कहते हैं कि शिक्षा जो है वो बालक की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं और योग्यता हैं उसी के विकास को उन्होंने शिक्षा का नाम दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नेचुरल पावर एंड एबिलिटीज, यानी कि बालक की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं, ठीक है, बालक की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं तथा जो योग्यता है, बस उसी के डेवलपमेंट को उन्होंने क्या दिया है? शिक्षा का नाम दिया। यहाँ पे देयर आर द थ्री सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, तो थ्री सोर्सेज कौन से हैं? एजुकेशन फ्रॉम मैन, मैन के द्वारा शिक्षा, मैन से शिक्षा, फिर एजुकेशन फ्रॉम नेचर, शिक्षा फ्रॉम मतलब शिक्षा जो भी हम सीखे वो नेचर से, इसके बाद एजुकेशन फ्रॉम थिंग। तो आप ये चार्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है, अच्छा है, इम्पेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे जो उन्होंने नेचर की बात की, तो उनका कहने का मतलब है रूसो का कि बालक जो भी शिक्षा, बालक को जो भी शिक्षा दी जाए वो उसके नेचर के हिसाब से दी जाए। ठीक है, कैसा उसका नेचर है, या मैन जिसको भी शिक्षा दी जाए उसका नेचर कैसा, उसका नीड कैसा है, वो उन्हीं के अनुकूल के हिसाब से दी जाए, तभी जो क्या है बालक का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, है ना। शिक्षा को बालक की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है कि जिसको भी हम एजुकेटेड दे रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि नेचर क्या है, नेचर की नॉलेज क्या है। ठीक है, और जो हम मानव द्वारा जो शिक्षा से रूसो का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि व्यक्ति के ऊपर आप किसी भी तरीके के समाज के जो पढ़ने वाले फैक्ट हैं उसको आप ना ला दें, है ना, उसको समाज से दूर रखें कहीं ना कहीं। फिर एजुकेशन फ्रॉम नेचर, नेचर से वो सब कुछ सीखें,
यानी कि उसको नेचर में देखने जाकर छोड़ दें और नेचर में ही प्रकृति में ही जाकर बच्चे को छोड़ दें और आप देखें, बस खाली ऑब्जर्व करें कि बच्चा क्या कर रहा है, पेड़ पौधे देख रहा है, घास देख रहा है, नेचर देख रहा है, आसमान देख रहा है, क्या देख रहा है, इन सब चीज़ों की बात की है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपको पता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो उस पर समाज में रह रहा है तो उसके पास कुछ बुरी आदतें भी पड़ेंगी, बुरे इफेक्ट भी पड़ेंगे, तो इसको इन्होंने निग्लेक्ट किया हुआ है, सोसाइटी की बात नहीं की हुई, ट्रेडिशन की बात नहीं की है इन्होंने, तो ये सारी चीज़ों की बात की है। आप उसे प्राकृतिक वातावरण में कुछ भी सीखने के लिए छोड़ दीजिए और उसे के हिसाब से जो जो मैटर है, जो मटेरियल है, जो मेटाफिजिक्स है हमारा, वो क्या है, नेचर है, यानी कि पदार्थ। हम उसको मेटरलिस्टिक, जब हम फिलोसफी डिटेल पढ़ते हैं तो मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी पढ़ते हैं, तो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनके हिसाब से मेटाफिजिक्स जो होएगा वो उनके लिए क्या है, नेचर है, यानी कि नेचर से ही सबको सीखेगा, है ना। कि प्राकृतिक शिक्षा कहाँ से मिलेगी, उसे नेचर से मिलेगी, ठीक है, और उसी में वो कोऑर्डिनेशन करना सीखेगा। तो इनके हिसाब से ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इनके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मैंने यहाँ पे चार स्टेजेस बता रखी हैं। सबसे पहले स्टेज है इन्फेंसी स्टेज, यानी कि बर्थ से लेके 5 ईयर तक जो स्टेज है उसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, और इस स्टेज में हमारा क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट हमारा है चाइल्डहुड, यानी कि 5 to 12 ईयर्स, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, यहाँ पे सेंस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। और बॉयहुड को हम लोग एडोलेसेंस या किशोरावस्था की अवस्था भी बोल सकते हैं, जो कि लेकिन 12 से 15 साल तक होती है, और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पावर डेवलप हो जाती है। इसके बाद एडोलेसेंस 15 से 20 साल, तो डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मॉलर एंड रिलीजियस, तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कहीं ना कहीं। रूसो का यह मानना था कि जब बच्चा प्रकृति के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, चीजों को वो कर सीखेगा, चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद सीखेगा कि डिस्ट्रॉय करने से उसको मिला क्या, कुछ नहीं मिला, यानी कि कहीं ना कहीं नेचर को ही वो अडॉप्ट कर लेगा कि हाँ हमें इससे चीज सीखने को मिल रही है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है कि बच्चे का शारीरिक विकास अगर अच्छा रहेगा और वो अपने अंग प्रत्यंग से, मतलब बॉडी बिल्डिंग से अच्छा रहेगा, यानी कि उसका बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ जो होगी और जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छा होगा, तो उसका मस्तिष्क भी ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं शिशु जो मतलब बालक है, जो इन्फेंसी वाली स्टेज है, यहाँ पे हमें इसको बहुत बड़ा नहीं समझना है कि सब कुछ उस पर ला दो, सब कुछ सीख लो एकदम से, नहीं, बच्चे को हमें एडल्ट नहीं बनाना है, यहाँ पे बच्चे को बच्चा ही रहने देना है। तो बच्चे को एक्टिविटी करानी है, स्पोर्ट्स में आप कराइए, फिर इसके बाद आप योगा कराइए, आप व्यायाम करा सकते हैं ना, इस तरह की चीज़ें भी बच्चों को नेचर में करानी चाहिए, खेल कूद कराना चाहिए, तो उससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की है, बच्चे का मन बहुत कोमल होता है तो उस पर हम सब कुछ लाद नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे को आप नेचर के हिसाब से छोड़ दीजिए और धीरे धीरे चीजों को सिखाइए और खेल के माध्यम से। नेक्स्ट वाली जो स्टेज है हमारी चाइल्डहुड है, तो यहाँ पे हमारा सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाता है। तो आपको पता है कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द नॉलेज, यानी कि बच्चों को जो ट्रेनिंग दीजिए वो किसकी ट्रेनिंग दीजिए, आप सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग दीजिए। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियां जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता है कि ज्ञानेंद्रियों से हमारा विकास होता है, और जो बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसका कैसे यूज करना है, कैसे मिसयूज होता है उसको बताना है, यानी कि कैसे उचित प्रयोग करना है हमें बच्चे की ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि शरीर को व्यायाम कराना है, ठीक है। इसके बाद आप प्रैक्टिस कराइए कि हमारी मतलब हम जितना योग करेंगे हमारा मेंटल लेवल उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद हम उसको कितना रिलैक्स करा सकते हैं, फिर हमारा मन कॉन्शियस होगा तो हम कितना अच्छा करेंगे, और दूसरी चीज हमारे सेंसेस अलर्ट्स रहेंगे तो हम सच्ची नॉलेज को भी प्राप्त कर लेंगे, यानी कि जो भी हमें ज्ञान का माध्यम है वो हमारे सेंसेस हैं। तो बच्चों को इन सब चीजों की प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बॉयहुड डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बॉयहुड का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस स्टेज में जो बालक है कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा के पक्ष में आ जाता है और वो प्रॉपर चीजों को समझने लगता है जो भी उसे शिक्षा दी जाती है, और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगता है। और आपको ये भी पता है कि बच्चा इस समय क्या चीजें यूटिलाइज करने लगता है, अपने बिहेव में लाने लगता है, शिक्षा के माध्यम से चेंजेस लाने लगता है, उसे लेबर करना, इंस्ट्रक्शन करना, स्टडी करना। तो इन सब की अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं बच्चों को समझने देनी चाहिए और बच्चे को करके सीखने देना चाहिए, तभी वो चीज़ों को करके समझेगा और तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। नेक्स्ट हमारा है एडोलसेंस, यानी कि 15 से 20 साल। तो इस स्टेज में देखिए एक तरीके की बोल सकते हैं कि संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है और जो एडोलसेंस है, ठीक है, कंडीशन ऑफ स्टैनले हॉल ने कहा था डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मॉरल। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट भी होने लगता है, इमोशनल भी होने लगता है, रिलीजियस भी है, और अपना एक पीयर ग्रुप भी बनाने लगते हैं। तो इनके हिसाब से कहने का मतलब है कि जो बच्चे के सेंस ऑर्गन है, बच्चे का जो माइंड है,
वो अपना मतलब सारी हद तक एक तरीके से पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और इस स्टेज में बच्चे काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो बच्चे पे हमें क्या करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, बच्चा जो सीखना चाहता है उसको सीखने देना चाहिए। और देखिए उनका ये कहना है कि आप बच्चे को फ्री कर दीजिए, आप किसी तरह का उसको पनिशमेंट मत दीजिए उसकी गलती के लिए, नेचर उसे खुद पनिश करेगा और वो चीजों को समझेगा और सीखेगा, और आपको बस क्या करना है वहां पे ऑब्जर्व करना है। तो ये है कहीं ना कहीं, ठीक। तो इन्होंने सेंस ऑर्गन की बात की, लिविंग चीजों की बात की, और स्पेशली इन्होंने सेंस ऑर्गन पे ही फोकस किया है कि उसका अच्छे से यूज करना बताइए और मिस यूज करना मत बताइए, ठीक, तो जिससे हमारी लाइफ अच्छे से हो। तो ये हमारा उनका एम्स ऑफ एजुकेशन था। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में इन्होंने दो तरीके की एजुकेशन दी है, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव एजुकेशन का मतलब है सकारात्मक शिक्षा, ठीक है, और निगेटिव एजुकेशन का मतलब है नकारात्मक शिक्षा। तो उनका ये कहना था कि बच्चों को हमें दोनों तरह की शिक्षा देनी है, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव एजुकेशन देनी है। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं पॉजिटिव एजुकेशन का मतलब क्या है। स्ट्रेस ऑन वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन इन द सेंस कि हमें बच्चों को वर्बली चीजों को बताना है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। अगर बच्चे को हम वर्बलाइजेशन वाली एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि हमें अपनी लाइफ में कैसे जीना है, ठीक है, किस तरीके का ज्ञान प्राप्त करना है और उस ज्ञान को कहाँ यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस ऑन ड्यूटी मॉरलिटी एंड रिलीजन। बच्चे को ये बताना है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपकी नैतिकता क्या है और आपका धर्म क्या है, ठीक है। ये पॉजिटिव एजुकेशन है जो बच्चे को देनी ही देनी है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में बताना है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बारे में बताना है कि अनुशासन लाइफ में कितना जरूरी है हमें अपने आप को विकसित कराने के लिए और एक हमें सफल जीवन जीने के लिए और सफल व्यक्ति बनने के लिए। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस ऑन सोशल एजुकेशन, बच्चे को सामाजिक शिक्षा के बारे में बताना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा एम्फेसिस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, और बच्चे का जो आदतों का निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी देखना है कि बच्चों के अंदर बुरी आदतों का निर्माण तो नहीं हो रहा है, तो हमें पॉजिटिव चीजों की बात करनी। तो ये पॉजिटिव काइंड ऑफ एजुकेशन थी टाइप्स ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट है निगेटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा निषेधात्मक शिक्षा है या निगेटिव एजुकेशन है। देखिए हम नाम से तो निगेटिव समझ रहे हैं, लेकिन रूसो का ये मानना था कि रूसो जो थे वो निगेटिव एजुकेशन के फेवर में थे। उनका ये कहने का मतलब था कि बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, यानी कि बच्चे को पहले गलती करने दो, उसके बाद उस बच्चे को रियलाइजेशन होने दो कि हाँ हमसे ये काम गलत हो गया है। आप बींग अ टीचर, बींग अ पेरेंट्स, आप सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो उनके कहने का मतलब था कि रूसो बच्चों को निगेटिव एजुकेशन भी देनी चाहिए कि हम ये चीज करेंगे तो हमें इसका नुकसान होगा, ठीक है, और उसे वो खुद करने दीजिए तभी वो चीजों को रियलाइज करेगा। तो ये निगेटिव एजुकेशन का मतलब है। और देखिए निगेटिव एजुकेशन पे शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आता है जिसको हम बोलते हैं निषेधात्मक शिक्षा। तो ये इसके फेवर में थे रूसो, ठीक है। तो निगेटिव एजुकेशन होती क्या है, टाइम सेविंग नॉट फेवर्ड, समय को बचाती है लेकिन फेवर में नहीं होती है। बुकिश लर्निंग नॉट फेवर्ड, अभी ये बुकिश लर्निंग के फेवर में नहीं थे, मतलब उनके कहने का मतलब था कि बच्चों को आप केवल किताबी ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान मत दीजिए, उन्हें करके सीखने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है फॉर्मल लेसन नॉट इनफॉर्मल लेसन। उनका कहने का मतलब है कि बच्चों को आप फॉर्मली मत पढ़ाइए, मतलब एक बिल्कुल औपचारिक ढंग से जो केवल किताब से पढ़ाना है कि किताब में जितना सिलेबस दे दिया आपने उतना पढ़ा दिया है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट हमारा हैबिट फॉर्मेशन नॉट फेवर्ड, उन्होंने बच्चों की आदतों के हिसाब से उनको फेवर करने के बारे में नहीं बोला है, बच्चे अपने आदतों का निर्माण खुद से करेंगे जब तक वो खुद से चीज़ों को सीखेंगे, इसके फेवर में नहीं थे ये। फिर डायरेक्ट मोरल एजुकेशन फेवर, नैतिक शिक्षा के फेवर में थे कि बच्चों को उनको मूल्य के बारे में बताना चाहिए। फिर सोशल एजुकेशन के बारे में भी इनका कहने का था कि बच्चों को सोसाइटी से दूर रखना है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो गलत होती है और सोसाइटी के अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा सीख लेता है और सीखने के बाद क्या करता है वो चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेता है। तो नेचर जो अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य के हाथों में जाकर बिगड़ जाता है, तो इसके फेवर में ये नहीं थे। नेक्स्ट है फॉर्मल डिसिप्लिन नॉट फेवर्ड, और जो उनका था अनुशासन, उनका कहने का मतलब था कि बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, ठीक है ना, उसके फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट हमारा है ओल्ड कस्टमनी प्रोसीजर फेवर्ड है, ठीक है, और जो भी ट्रेडिशन चीजें थी उसके फेवर में थी, यानी कि परंपरागत जो चीजें हैं जो चलती चली आ रही हैं उनके फेवर में थी। तो ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन थी, इट्स फॉर योर नॉलेज, आप इसे जरूर कंसिडर करें। चलिए रूसो का हिसाब से कोरिकुलम क्या है, तो कोरिकुलम इनके हिसाब से देखिए अकॉर्डिंग टू द एज है, तो ये मैंने चार एजेस बता रखी हैं, एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। पहले वाली जो स्टेज है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम शैशवावस्था भी बोलते हैं, और ये कब से कब तक होती है, बर्थ अप टू 5 ईयर्स, यानी कि जब आप पैदा होते हैं जन्म से 5 साल तक। तो इनके लिए उन्होंने कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया है, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चे को क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि बच्चे को हमें बुढ़ा नहीं बनाना है,
ठीक है, बूढ़ा नहीं बनाना है और बच्चे को कोई सब्जेक्ट वाली नॉलेज नहीं देनी है, बच्चे को बस खेलने दीजिए, सिर्फ खेलने दीजिए, और वो खेलने और कूदने के माध्यम से जो भी उसका नेचुरल का इफेक्ट पड़ेगा और वो नेचर को समझने की कोशिश करेगा, नेचर को अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक्टिविटी करके, तो वो अपने आप बहुत कुछ सीख जाएगा। ठीक है, आप उसको बुकिश नॉलेज इस स्टेज में नहीं देंगे, और इसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, बुकिश नॉलेज डालने का प्रयत्न नहीं किया। नेक्स्ट वाली है हमारी है चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था जिसको हम बोलते हैं, 5 से 12 साल, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ओन एक्शन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में भी कहीं ना कहीं बुक को इम्पोर्टेंस नहीं दी है ना, उन्होंने ये कहा है कि बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखेगा, करके सीखेगा, यानी कि पुस्तकों के ज्ञान को दूर रखकर अनुभव के ज्ञान पे बात की है, यानी कि बच्चा अपना अनुभव करेगा तो सीखेगा। जैसे हम निगेटिव एजुकेशन की बात की है, तो उनका ये कहने का मतलब था कि जो बच्चे का मन होता है, आपको पता है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है, और वो क्रिएटिव करते करते उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाता है जब वो सीखने लगते हैं। तो आपको पता है उनका ये कहने का मतलब है कि बच्चे को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, बच्चा कर करके चीज़ों को सीख लेगा, आप उस पर जबरदस्ती रोट लर्निंग और बुक की नॉलेज को मत डालिए। ओके, बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से भी सीख लेगा, लेकिन बस आप उसे स्वतंत्र कीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जबरदस्ती कुछ भी पढ़ने के फेवर में नहीं थे। ठीक है, मॉरल चीजों को बताइए, ठीक है, इमोरल चीजों को नहीं बताइए। नेक्स्ट हमारा है द फॉर बॉयहुड स्टेज, या इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, और 12 से 15 साल। तो इसमें मैथ्स की नॉलेज बच्चे को दीजिए, और उसी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो किशोरावस्था या जो एडोलसेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता है अच्छे से सेंस ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाते हैं, हमारा मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और हम मेंटल इस स्टेज पे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसी के हिसाब से उनको पाठ्यक्रम भी उनका बनाना देना चाहिए। बच्चे को लेबर करना सिखाना चाहिए, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दीजिए आपकी आपकी स्टडी कैसे करनी है, इनकी अपॉर्चुनिटी बतानी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स भी बतानी चाहिए, लैंग्वेज यानी मैथ्स यानी गणित, फिर लैंग्वेज, फिजिकल साइंस की बात की, ड्राइंग की बात की, कारपेंट्री की बात की है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी इस तरह के सब्जेक्ट्स की बात की है, इसलिए कि देखिए वहाँ पे उनके सेंस ऑर्गन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुके हैं, और इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़कर वो क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी इंद्रियों का जो यूज़ वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज़ कर सकते हैं, और छात्रों को बुक से केवल चिपका रहना ना दें और बुक से कंपेयर ना करें। ठीक है, उन्हें कुछ चीज़ें करके भी सीखने दें। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को फ्री कर दीजिए, खुद से भी बेटर कर सकते हैं वो। फॉर एडोलसेंस स्टेज यानी कि युवावस्था वाली स्टेज 15 से 20 साल वाली है, और ये जो बॉयहुड स्टेज है ये भी किशोरावस्था है, लेकिन ये 12 से 15 वाली स्टेज है, और एडोलसेंट वाली स्टेज जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट वाली फ्रॉम 15 to 20 ईयर्स, यानी कि ये युवावस्था बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम पे हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, हमें कोई अच्छा सिखाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वो गलत लगता है, हम आर्ग्यूमेंटेड हो जाते हैं, हमारा एक पर्सनल पीयर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आने लगती हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं, आप बोल सकते हैं किसी की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स आती हैं बहुत स्ट्रांगली आती हैं, और अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा अट्रैक्शन होने लगता है, हम किसी के लिए कुछ अच्छा फील करने लगते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं बहुत खतरनाक वाली स्टेज है, तो बच्चे को इस स्टेज में कंट्रोल करना है। तो बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चे को आप मॉरल डेवलपमेंट सिखाइए, बालक को हिस्ट्री के बारे में बताइए, ठीक है, उनको कुछ अच्छा लिटरेचर नॉलेज दीजिए, इसके बाद कुछ आप कह सकते हैं हम कि जो भी इस वर्ल्ड में हो रहा है उसके बारे में बताइए, और वो गलत है वो भी बताइए, लेकिन प्यार से बताइए, समझाकर बताइए और अच्छे से बताइए, यानी कि रिलीजियस नॉलेज भी दीजिए बच्चे को, मॉरल वैल्यूज बताइए, एक्टिविटीज करने दीजिए, कुछ व्यवसाय के बारे में बताइए, सेक्स एजुकेशन क्या होती है उस पर बात कीजिए, आप एस्थेटिक चीजों की बात कीजिए, इसके बाद हिस्ट्री की बात कीजिए और फिजिकल एजुकेशन की बात कीजिए, तो इन सब चीजों की भी बात कीजिए। इनका ये पाठ्यक्रम था, तो ये काफी डिटेल पाठ्यक्रम था अकॉर्डिंग टू द एज, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखिए यही 5-6 मेथड हैं, आप इसको जरूर करिए, लर्निंग बाय डूइंग। पहला मेथड ये था ना कि करके सीखने दे बच्चे को, ठीक है, बच्चा करके सीखेगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अवॉइडेंस ऑफ बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज को इन्होंने अवॉइड किया है, बुकिश ज्ञान पे कोई महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब है खोज विधि, बच्चे को आप नेचर में छोड़ दीजिए, बच्चा खुद से खोज कर बहुत सारी चीजें सीख लेगा, इसके फेवर में कहा है। फिर अगेंस्ट द रोट लर्निंग, बच्चे को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखा है कि बच्चे को कुछ भी रटाकर मत पढ़ाइए, बच्चे को एक्सपीरियंस करने दीजिए तभी वो कुछ अच्छा सीख पाएगा। और फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की, तो पूरी तरीके से ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, टीचर को यहाँ पे इन्होंने अवॉइड किया हुआ है, यानी कि सिर्फ बच्चा ही बच्चे की बात की है, टीचर की बात नहीं की है, टीचर यहाँ पे केवल गाइडर का काम कर रहा है। तो ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है, मेन मेन मेथड है, अब देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है रूसोस डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की क्या है रूसो का, आप ये भी देख लीजिए। डिसिप्लिन का जो रूसो का जो डिसिप्लिन है यानी कि अनुशासन, इन्होंने अनुशासन के बारे में बात की है और इन्होंने बोला है लीव द चाइल्ड फ्री, बच्चे को एकदम फ्री कर दीजिए, ठीक है। बच्चे को मतलब हम केवल इमेंसिपिनेशनट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है डिसिप्लिन का, इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन होता है, यानी कि कह सकते हैं आप फ्री डिसिप्लिन की बात की इन्होंने, मुक्तियात्मक अनुशासन की बात की है। बच्चे को पूरा फ्री कर दीजिए, बच्चे को कोई पनिशमेंट मत दीजिए, ठीक है। बच्चे को पनिशमेंट इसलिए नहीं देनी है कि बच्चा अगर गलती करेगा तो नेचर उसे ऑटोमेटिक पनिशमेंट देगा और उसे कहीं ना कहीं कष्ट भोगना पड़ेगा, और जब अच्छा काम करेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यही एक नेचुरल डिसिप्लिन की इन्होंने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नो पनिशमेंट शुड बी गिवन, यानी कि आपको बच्चे को दंड नहीं देना है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे सिद्धांत पे बल दिया है, फ्री डिसिप्लिन की बात की है। इसके बाद ही एडवोकेटेड डिसिप्लिन बाय द नेचुरल कॉन्सेंस, उनका कहने का मतलब है कि नेचर अपने आप में एक वकील है, बच्चे को गलत कामों के लिए वो पनिशमेंट देगा, ठीक है, अपने आप। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ टीचर। तो रोल ऑफ टीचर में देख लीजिए, टीचर एज अ ऑब्जर्वर है, टीचर का काम यहाँ पे क्या है, सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड की बात नहीं की इन्होंने, टीचर को डिनाई किया है, काफी अवॉइड किया है। तो टीचर एज अ ऑब्जर्वर, टीचर केवल ऑब्जर्व करेगा खड़ा होकर बच्चे को, टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर, टीचर क्या करेगा, केवल इंस्ट्रक्शन देगा, केवल वो बच्चों को समझाएगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है, करने नहीं जाएगा। बॉटम प्लेस टू टीचर, और जाहिर सी बात है कि चाइल्ड को टॉप प्लेस दिया है और टीचर को जो है बॉटम प्लेस दिया है। नाउ टीचर शुड प्रोवाइड द सुटेबल अपॉर्चुनिटी, हाँ ये बोला है कि टीचर को बच्चों के लिए अच्छे एनवायरमेंट प्रदान करने चाहिए, अच्छे अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टीचर शुड प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द रिप्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटल डिसऑर्डर फॉर ऑल द काइंड्स, किसी भी तरीके का जो बच्चे का जो मतलब दमनात्मक अनुशासन है या जो उनके माइंड में संघर्ष चलता रहता है या जो उनके मेंटल डिसऑर्डर हैं, किसी भी तरीके की समस्याओं को टीचर्स को क्या करना है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि बच्चे को किसी भी तरह की समस्याओं को फेस करने नहीं देना है, ठीक है। ये रोल ऑफ टीचर था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के बारे में बात की है। तो वुमेन्स एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, स्त्री शिक्षा के बारे में। तो दो तरीके का कैटेगराइजेशन दिया है, डोमेस्टिक वर्क, फिजिकल वर्क। देखिए इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर जो हम अमाइल ग्रंथ की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि जो अमाइल ग्रंथ में, एक ग्रंथ में अगर 4 पार्ट है ना, मान लीजिए जो एक कोई भी राइटिंग है या कोई भी नॉवल है, जो ये नॉवल है, तो इसमें 4 में से जो 3 पार्ट है ना, उन्होंने मेल एजुकेशन की बात की, आप सोचिए फीमेल एजुकेशन को डिनाई किया, यानी कि 1 पार्ट जो है वो किसके लिए है, केवल फीमेल के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेल एजुकेशन की बात की है, पूरी तरीके से मेल डोमिनेट एजुकेशन की बात की है, फीमेल को एजुकेशन देने की बात की है, लेकिन बहुत 1/3, मतलब आप समझ सकते हैं 4 पार्ट में से 3 पार्ट मेल के लिए निकाल लीजिए और 1 पार्ट आप फीमेल एजुकेशन के लिए निकाल लीजिए। तो ये इनका कहना था। तो फीमेल के लिए उन्होंने क्या बताया, फीमेल के लिए डोमेस्टिक वर्क बताया है कि फीमेल का काम क्या है, वो पारंपरिक शिक्षा लेने से अच्छा है कि वो हाउसकीपिंग का काम करे, सिलाई करे, कढ़ाई करे, एम्ब्रॉयडरी करे, लेस लगाए, मेकिंग करे और हाउस अच्छे से डेकोरेट करे। और दूसरी चीज, अपने जो भी पुरुष है, जो भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो पुरुष को खुश रखने की कोशिश करे। तो इस तरह की चीजों के बारे में बात की हुई है, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यही सारी चीजें बात की हुई है, ठीक। इसके बाद उनका ये कहने का मतलब है कि स्त्री केवल क्या है, शिक्षा लेने के लिए नहीं है, वो केवल एक तरीके से कह सकते हैं आप कि लग्जरी आइटम है जो मेल को खुश करके रख सके, ठीक है। लड़की को जो कहा जाता है, लड़की का केवल यही काम है कि वो फीमेल को कैसे, मतलब अपने मेल हस्बैंड को या जो भी मेल बंदा है उसको कैसे खुश रखे, घर को कैसे सजाना है, क्या खाना बनाना है और किस तरीके से चीज़ों को एंजॉय कराना है, उनको वो अच्छा फील कराए, क्या है ना, इस सब चीज़ों की बात बारे में बात की। जिससे मतलब हम अगर हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो अगर पति गलत भी है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना है, हंस के सपोर्ट करना है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की है और पति की गलतियों को एक्सेप्ट करते रहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो इन्होंने फीमेल की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नेगलेक्ट की हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो रूसो को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। फिर इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि केवल नेचर की बात की उन्होंने, अरे यार नेचर अपने आप में सब कुछ कैसे कर देगा, अगर हम केवल अपने बच्चे को जब से पैदा हो जब तक वो ना रहे नेचर में ही छोड़ दें, सब कुछ सीख लेगा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इन्होंने कुछ इमेजिनेशन वर्ल्ड की बात की है, वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि इन्होंने कभी स्कूल ज्वाइन नहीं किया ज्यादा, फैमिली कंडीशन खराब थी, उस तरह की चीज़ों के बारे में। तो वुमेन्स एजुकेशन में उन्होंने यही बताया है और उनका हिसाब से वुमेन को हम केवल म्यूजिक सिखा दें, उनको डांस सिखा दें और एक तरीके से इंटरटेनमेंट के बारे में बात की है, स्त्री शिक्षा के बारे में बिल्कुल बात नहीं की और इनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ही बेकार हैं वुमेन्स के लिए। ये सिर्फ रूसो के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आप पर्सनल नहीं लीजिएगा प्लीज,
ठीक है। तो इस तरीके की चीजों में क्या, अगर देखा जाए जो इनका एमाइल वाला जो मतलब है नॉवल, तो उसमें सोचिए आप फोर पार्ट मेल को कर दिया और एक पार्ट केवल, मतलब फोर पार्ट के हिसाब से थर्ड पार्ट पूरा पूरा शिक्षा है वो किसको मिलनी चाहिए, वो मेल को मिलनी चाहिए, है ना, और एक एक पार्ट कहीं ना कहीं वुमेन को। तो ये मतलब स्त्री शिक्षा की केवल बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, तो ये चीज भी गलत है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में देख लेते हैं, रूसो वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ हिज टाइम्स, उस समय के बहुत ही आप बोल सकते हैं कि महान क्रांतिकारी थे और महान फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे। हिज फिलोसफी हैज एक्सर्टेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, इनकी फिलोसफी हमारे भारतीय दर्शन पे या हमारे भारतीय शिक्षा पे काफी प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है, मैनी ऑफ देम द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग लाइक ह्यूरिस्टिक मेथड, सेंसरी ट्रेनिंग एक्सेट्रा आर प्रोडक्ट्स ऑफ हिज फिलोसफी। इनके मेथड में अगर हम देखा जाए तो दो तीन मेथड बहुत अच्छे निकले थे, ह्यूरिस्टिक मेथड। इनके कहने का मतलब था कि बच्चे को खोज करके सीखने दीजिए, तो ये चीज़ों के बारे में बात की थी, एक अच्छी बात निकल कर आई थी। फिर इन्होंने ये बोला था कि बच्चे का जो सेंस ऑर्गन है वो डेवलप होता है, तो उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करते हैं इसके बारे में बात की, तो एक अच्छी बात निकल कर आई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा था। और एजुकेशन के बारे में अगर हम बात की जाए तो उन्होंने कुछ चीज़ें ही दी, साइकोलॉजिकल, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने का प्रयत्न किया, बच्चे की एज के हिसाब से काम करने के लिए बात की, तो कुछ अच्छे पॉइंट भी रहे हैं इम्पैक्ट देखा जाए तो। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को मतलब सोसाइटी से दूर रखिए, और नेचर बहुत अच्छी है उसको कदर कीजिए, है ना, नेचर तब तक अच्छा है जब तक वो मनुष्य के हाथ में नहीं जाती, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की है, ठीक है। और कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं, और हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है, तो क्रिटिसाइज़ केवल बस इनको इसीलिए किया गया था कि इन्होंने बच्चे को बिल्कुल फ्री रखने की बात की है, केवल नेचर की बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, क्रिटिसिज्म था, वुमेन्स एजुकेशन को फेवर में नहीं लिया। तो ये दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द जीन जैक्वस रूसो, और मैंने इनका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा दिया है और बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको कहीं से कुछ भी अलग से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन हो गया, फिर रोल ऑफ टीचर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा हमने, रूसो का कोरिकुलम क्या था अकॉर्डिंग टू द एज ये भी पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने की कोशिश की, निगेटिव एजुकेशन के फेवर में थे, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। फिर एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, फाइनली हमने पूरी फिलोसफी भी पढ़ ली उनकी, ठीक है। तो ये जीन जैक्वस रूसो थे हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर, और हमने इनकी डिटेल स्टडी की है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, देखकर समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली नोटिफिकेशन के लिए, और मेरा पर डे एक वीडियो अपलोड होता है, आप उसे प्लीज़ टाइमली देखिए, देखकर और लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, डेफिनेटली वीडियोज़ आपकी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आज के लिए बस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।